मटर पुलाव कौन बना रहा है? अम्मी और अरिबा। अम्मी और अरिबा मिलके मटर पुलाव बना रहे हैं। दिल्ली नहीं बना रहे, मटर पुलाव बना रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शोनाज किचन। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो कि हमारे घर के बच्चों ने डिमांड किया है। सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे घर पे मटर सबको बहुत पसंद है, तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट मटर पुलाव। आप भी ये ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बहुत आसानी से बनता है। घर पे अगर गेस्ट आ जाए या आप अपने आप को रेस्ट देना चाहते हो, जस्ट दाल तड़का के साथ ये मटर पुलाव बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। चलिए, एक टेबलस्पून घी में मिलाएंगे आधा चम्मच जीरा, फिर खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, चक्री फूल, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, जावित्री और बड़ी इलायची। इन मसाले के बाद हम ऐड करेंगे एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी है एक कटे हुए प्याज की, इसको हमें हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है। प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि जो कच्ची महक है वो चली जाए। उसके बाद मैंने लिया है आधा कप फ्रेश मटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिया है, तो इसको मैं अब 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी। जब मटर थोड़े से पक जाएंगे, तब हम लेंगे 1 कप बासमती चावल, जिन्हें मैंने 20 मिनट भिगो के रखा था। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हो तो चावल और मटर को आप एक साथ ही ऐड कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि नमक, जो हम स्वादानुसार ऐड करेंगे। फिर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और लास्ट टाइम एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीजें मिला ली है, अब कुकर को बंद कर लेंगे, 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। धीमी आंच पे 2 सीटी आ चुकी है, कुकर से मैंने प्रेशर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा और खिला खिला पुलाव बन गया है। जब भी आप बासमती चावल को पकाए तो वुडन या इस तरह के सिलिकॉन स्पून का यूज करें ताकि चावल ना टूटे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पुलाव बन के आ गया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। थैंक यू।